हम लोग भी चाहते हैं जो कुछ करता है हम भी उनके साथ रहें कि और अच्छा हो। जो सरकार चल रही है एनडीए का, इसमें एक ही जो हमको माइनस पॉइंट लग रहा है कि इसमें जो छोटे व्यापारी वर्ग हैं उनको एकदम श्रिंक किया जा रहा है। जो व्यापारी वर्ग है वो इनके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा एनडीए के लिए। बहुत दूर की राजनीति सोच करके काम कर रहे हैं, वो लालच और करप्शन से दूर होकर के विकास और समृद्धि की ओर जा रहे हैं। हम हैं भागलपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के भागलपुर शहर में और भागलपुर के बाज़ार में। हमारे साथ हैं कुछ जो हमारे यहाँ बाज़ार के व्यापारी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें INDIA वर्सेस NDA किसका रहेगा पलड़ा भारी, राय लेते हैं उनकी। स्वागत है आपका, बताइए पहले। बंधुओं, मेरा नाम श्रवण कुमार बाजुरिया हुआ और मैं ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर का प्रेसिडेंट हूँ और कई वर्षों से मैं कई संस्था में प्रेसिडेंट रहा हूँ। प्रश्न जो है वो बड़ा जटिल है, क्योंकि किसी के विषय में निर्णय देना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हम लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, तो हम इस बात को समझते हैं कि किसने क्या किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी बिहार में जदयू की सरकार है और काफ़ी जगह जो है बीजेपी की भी सरकार है, लेकिन जो अभी बीजेपी की तरफ से हम लोग को जो बातें सामने आ रही है, स्टेट लेवल पर हो या सेंट्रल लेवल पर हो या धर्म की बात हो या आज महिला सशक्तिकरण जो है 16 साल से विगत जो है लंबित था, आज क्यों नहीं कोई सरकार पास करा पाई? बीजेपी ने कराया। आज राम मंदिर किस स्थिति में था, मैं आगे की बात को नहीं जाऊंगा कि क्या था और क्या बना, लेकिन राम मंदिर किसने बनवाया? बीजेपी ने बनवाया। चूंकि उनकी कुछ है कि हम कुछ करें, तो हम लोग भी चाहते हैं जो कुछ करता है हम भी उनके साथ रहें कि और अच्छा हो। अब इसके पीछे रिजल्ट जो है वो ये है कि जैसे भी अब जो हम लोग जिसके लिए करेंगे वो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, और व्यापारी वर्ग के लोग या समाज के लोग जो भी हैं, अभी हमको नहीं लगता है कि स्थिति उनकी मनसा कंप्लीट है, लेकिन बहुत लोग स्पष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका नाम है मतदान या मनदान। तो मतदान जो है ये बहुत सेक्रेट चीज़ है, लोग अपने हिसाब से करेंगे, रिजल्ट आने वाला बताएगा कि क्या होगा। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम गिरधर मावंडिया है और मैं पूर्व सचिव हूँ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भागलपुर। तो अगर संदर्भ में लोकसभा के फाइट तो बहुत कड़ा रहेगा। राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा निकला है इनका, ये बहुत पॉजिटिव साइड में जा रहा है, और जब से अब वो मेन स्ट्रीम से हट करके कार्यकर्ता को जो जोड़ रहे हैं वो बहुत हमको लग रहा है कि बहुत एग्रेसिवली प्ले कर रहा है। मोदी जी जो सरकार चल रही है एनडीए का, इसमें एक ही जो हमको माइनस पॉइंट लग रहा है कि इसमें जो छोटे व्यापारी वर्ग हैं उनको एकदम श्रिंक किया जा रहा है। जो ऑनलाइन मार्केट ये इतना बढ़ावा दे रहे हैं, ये सिर्फ बढ़ा है यही 8-9 साल में, और छोटे व्यापारी एकदम मरते जा रहे हैं। ये इनके लिए देखिएगा कि एकदम जो व्यापारी वर्ग है वो इनके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा एनडीए के लिए, क्योंकि सारे जो छोटे व्यापारी हैं वो काफ़ी इनसे रुष्ट हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। आज आप खाली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस या टाटा को एक बढ़ावा जो दे रहे हैं, भागलपुर में आप देख लीजिएगा, आप किसी भी छोटे व्यापारी से बोल लेंगे कि भाई दिल में तो मोदी है लेकिन मन में कोई और है। अब मोदी जी हटे तो फिर सरकार भी हटी। जी, मेरा नाम रवि बैद हुआ और मैं एक व्यवसायिक हूँ यहाँ पर भागलपुर में, और मैं सोशल लेवल पर भी मैं जगह जगह पर काम करता हूँ। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि इकोनॉमी वाइज आप जो है और आने वाले भविष्य में बताते हैं आप बीजेपी और INDIA जो है अलायंस है इनको किसको देखते हैं। तो मुझे लगता है कि लालच और करप्शन की जो राजनीति थी और विकास और समृद्धि की जो राजनीति है वो आपको 2014 और 2014 के पहले और बाद में फ़र्क नज़र आता है। अब ऐसा है कि देखिए, अपरिपक्व राजनीति जो है, ठीक है ना, वो दिखाई देती है कि आपके लीडर्स को भी अगर हम काम करने का मौका नहीं दें और एक ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर दें जिसमें आपके लीडर्स भी उसके सामने कुछ नहीं बोल पाए, तो वो अपरिपक्व राजनीति दिखाती थी जो आपको 2014 में हार मिला, और आप 2019 में भी हराने का उतना ही प्रयास किए थे बताते हैं आपको, जैसे लगा कि हम आपको बाद से आगे निकल जाएंगे। मूलतः बात यह है कि आज की इकोनॉमी को आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। सिर्फ आध्यात्मिक विकास तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ में बताते हैं, ठीक है, एक एग्रेसिव डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। जैसे आप देखिए, किसी भी देश को अगर आपको जागरूक करना है या आगे बढ़ाना, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था उसकी मजबूत होनी चाहिए। आज आप देखिए
कि पूरे देश में बताते हैं हाईवेज का, रोडवेज का पूरा जाल जल रहा है, ठीक है ना। आपको आप देखिए, एक छोटे छोटे जो लोग हैं बताते हैं, उनको आप डिजिटल से जोड़ रहे हैं, बताते हैं कि कैसे वो अपने आप को अपग्रेड करें और कहां तक वो अपने आप को लेकर के जाएं, ठीक है। आपको मुझे लगता है कि मोदी जी बहुत दूर की राजनीति सोच करके काम कर रहे हैं, वो लालच और करप्शन से दूर होकर के विकास और समृद्धि की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। और इस पर हमको लगता है कि लोगों को कई बार श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे चीज़ों से समझ लेना चाहिए कि लालच और करप्शन की राजनीति भी बताते एक देश का क्या हाल होता है। उस हाल से बचाने के लिए मैं बीजेपी की ओर इस बात को रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार, मेरा नाम रुपेश कुमार है, मैं भागलपुर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और मेरा अभी तक का जो अनुभव है बीजेपी को लेकर के, जो डिजिटल इंडिया वाला कॉन्सेप्ट चला हुआ है पिछले कई सालों से, तो अभी हम लोग अपने बिजनेस का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि पहले हम लोग जो इंटरनेट कनेक्शन देते थे सिर्फ रिहायशी इलाकों तक पहुंच पाता था। मोदी जी का जो ये कार्यक्रम चला हर घर इंटरनेट के लिए, BSNL को भी उन्होंने आगे लेके आए थे, तो उस हिसाब से हम लोग का तो रोज़गार अगर कहा जाए उस हिसाब से तो बढ़ोतरी की तरफ है। लेकिन अगर ये जो अभी फैसिलिटी मिली हुई है हर घर तक, हर गांव तक हम लोग इंटरनेट लेके जा रहे हैं इंटीरियर्स में, आप विश्वास करें कि ऐसे जगह जहां कि मोबाइल का नेटवर्क भी पूरा नहीं था, आज के डेट में वहां पर फाइबर ऑप्टिक से इंटरनेट कनेक्शंस है। तो ये बीजेपी के लिए थोड़ा अचीवमेंट है अगर कहा जाए तो, और इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और हम लोगों के जैसे लोगों को भी रोज़गार मिला, IT क्षेत्र के लोगों को भी रोज़गार में बढ़ोतरी भी है। तो मेरा रुझान तो रहेगा कि हम उनके साथ ही चलें, अगर कंटिन्यू वो कर पाते हैं तो इस चीज़ को आगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है और मैं पेशे से फोटोग्राफर हूँ। पहले हम और आज के दौर में हम देखते हैं बेसिकली जो एक बड़ा डिफरेंस मिला है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान आया और ये इंटरनेट इतना सुगम हो जाने से हम लोगों का व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, चूँकि हम लोग कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम लोगों का सारा काम इंटरनेट के थ्रू या फिर पावर सेक्टर के थ्रू या फिर लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के थ्रू, और जो इस मामले में इंटरनेट का जो इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी हुआ या इतना तेज़ी से विकास हुआ है, जिससे हमारे बिजनेस को काफ़ी लाभ हुआ और इस वजह से हम मोदी जी के साथ हैं। तो ये थी भागलपुर के बाज़ार में जो व्यापारी वर्ग हैं उन लोगों की राय। अब आने वाला चुनाव ही बताएगा कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसके सर पर ताज रहेगा। राजीव सिद्धार्थ, भागलपुर, बिहार तक।